दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। केजरीवाल और मान दो दिन के दौरे पर हरियाणा आए थे। उन्होंने बुधवार को हिसार से मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन की शुरुआत की थी और वहीं दोनों ने आदमपुर मंडी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। आदमपुर में केजरीवाल की तिरंगा यात्रा, आदमपुर उपचुनाव को लेकर आप तैयार। हरियाणा से बीजेपी कांग्रेस पर बरसे केजरीवाल, केजरीवाल का हरियाणा मिशन 2024। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के गढ़ से हरियाणा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे, जहां हरियाणा विधानसभा से विधायक के रूप में कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिसार दौरा काफी महत्व रखता है। वहीं इसके चलते आदमपुर में केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा निकालकर आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के सामने चुनौती रख दी है। वहीं तिरंगा यात्रा के बाद आदमपुर की अनाज मंडी में जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ मौजूद रहे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने स्कूलों को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सुधार दिया, मुझसे हरियाणा के भी स्कूल सही करवा लो। के भी स्कूल ठीक करा लो, वो खट्टर साहब रोज स्कूल बंद करते घूम रहे हैं, वो बच्चा अभी खड़ा होके चिल्ला रहा है। सरकारी स्कूल बंद करते घूम रहे हैं, बताओ सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, काम आदमी अपने बच्चों को कहां भेजेगा? 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, कबाड़ खाना बना रखा है सरकारी स्कूलों को इन्होंने, है कि नहीं है? मजबूरी में भेजता है काम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, 2 पैसे आ जाए आदमी प्राइवेट में भेजता है। दिल्ली में हमने उल्टी गंगा बहादी, दिल्ली में भाई साहब पिछले 2 साल में 3 साल में 4 बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूल में करवाए हैं, बड़ी बात है। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा में भी करा लो यार मेरे से, ये मैं कर दूंगा, हरियाणा में भी, हरियाणा के स्कूल भी ठीक कर दूंगा, करने आते हैं मेरे को। वहीं महंगाई को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, जीएसटी के नाम पर ये लोगों से अनाप शनाप टैक्स ले रहे हैं, बीजेपी हर चीज पर टैक्स लगाकर लोगों को परेशान कर रही है, अगर इनको फिर से मौका दे दिया तो ये सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे। उन्होंने अनाप शनाप पिछले कुछ सालों में इतने टैक्स लगा दिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं टैक्स कौन कौन भरता है, जरा हाथ खड़े करो। ये कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। आपको पता नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा भी टैक्स भरता है। आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी पे 1 रुपए का जीएसटी लगता है। आपका पंखा चलता है, पंखे पे टैक्स लगता है, बिजली पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, शहद पे टैक्स लगता है, गेहूं पे टैक्स लगता है, चावल पे टैक्स लगता है। पिछले दिनों इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पे भी लग जाएगा टैक्स। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सोच समझ और दूरगामी रणनीति के तहत दोनों नेताओं का ये दौरा तय किया है। दरअसल कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई आदमपुर विधानसभा सीट उपचुनाव होना है। अभी चुनाव की तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी उपचुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों और राज्य की जनता का मूड समझना चाहती है। पड़ोसी राज्य दिल्ली और पंजाब में चुनावी झंडा गाड़ने के बाद भी आप हरियाणा में कोई कमाल नहीं कर पाई, वो आदमपुर उपचुनाव के जरिए हरियाणा के मिशन 2024 को साधना चाहती है। पंजाब से लगते जिलों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए आपने भगवंत मान को बुलाया है। बहरहाल जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती जा रही है और केजरीवाल के नेतृत्व में आप अपना कुनबा और मजबूत करने की कवायद में जुटी है, इसका कितना फायदा पार्टी को मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।